Hey guys, welcome back to my channel. तो जैसा कि हम सबको पता है धीरे धीरे कि लोगों की हाइट क्या होती जा रही है कम होती जा रही है पहले लोगों की हाइट बहुत होती थी और अब जो लोगों की हाइट हो गई है वो अगर फाइव टू या फाइव थ्री है तो भी ऐसा लगता है कि यह काफ़ी हाइट है और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी जीन्स की वजह से होती है गाइज और सेम इसी तरीके से अब हमारे बालों की भी यही हालत होने वाली है अभी भी आपको बहुत सारे लोग दिखते होंगे जिनके सर पर बहुत ही कम बाल हैं ऐसे लोगों का एवरेज रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और धीरे धीरे आप लोगों के बाल तो बहुत ही कम हुआ करेंगे आजकल के जो छोटे-छोटे बच्चे उनके बाल भी बहुत ही ही ज़्यादा कम होने हैं। so ऐसा क्यों होता है, है उसका सिर्फ एक ही रीजन है जीन्स. Actually guys, जीन्स आपके ट्रांसफर होते हैं और जिसकी वजह से ही हमें ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है सो so गाइज आज मैं इसीलिए इन सारी चीजों की यानी आपके हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक मेडिकेटेड चीज प्लस एक आयुर्वेदिक चीज लेकर के आई हो जिसका दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी हेल्प करेगा कि आप अपने हेयर्स की ग्रोथ को भी बढ़ा सकोगे और जो आपके हेयर लॉस की प्रॉब्लम होगी वो भी आपकी कई हद तक कम हो जाएगी तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो ऐसे मेडिकेटेड चीज़ कौन सी है जिसे डॉक्टर्स भी यूज करते हैं गाइस ये मेरा कोई अपना मतलब यू नो फॉर्मूला जनरेट किया हुआ नहीं है गाइस आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो जब वो भी ऐसा कोई ग्रोथ वाला सोल्यूशन देंगे तो डेफिनेटली वो इस डरमा को की बात तो जरूर करेंगे ये एक्चुअली 0.5 0.5 का का है, 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 क्योंकि mm का ही डर्मा को होता होता जो जो बहुत अच्छा होता है, जो आपकी जो होती ग्रोथ you know, you know, को स्टिमुलेट करेगा सो गाइज अगर आपको डर्मा को अपने हेयर्स के लिए लेना है आप mm का ही लेना और गाइज इसको आपको यूज कैसे करना है आप, आप इसमें अगर देख पाओ सी so इसमें ना काफी ज्यादा पतली पतली सी नीडल होती हैं जो आपकी स्कैल्प पे चुभनी चाहिए आपको दर्द नहीं होना चाहिए बट डेफिनेटली आपकी स्कैल्प पर हल्की हल्की चुभनी चाहिए क्योंकि गाइज आपको पता होगा जो हमारा हेयर ग्रोथ होगी या जो हमारी स्ट्रांग रूट्स होंगी वो किसकी वजह से होंगी कोलेजन की वजह से क्योंकि कोलेजन एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रजेंट होती है और इसी की वजह से हमारे जो हेयर्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं तो हमें क्या करना है अपने हेयर्स अपने स्कैल्प पर कोलेजन को प्रोड्यूस

करना है कैसे करना है आपको रेगुलर फॉलो करना है हर रोज आपको फॉलो करना है आपके बाल नहीं है या जिनके बिल्कुल सर में बाल नहीं होते हैं उनको तो ये बहुत ही ईजी रहेगा करना बिकॉज इसमें कोई भी हेयर जो होंगे वो फंसेंगे नहीं बट जिनको हेयर्स हैं वो क्या करोगा इस अपने बालों को साइड कर लो पार्टीशन बना लो और फिर फिर आप इसको वहां पर रफ करना और अगर आप बीच में कर रहे हो यू नो आपकी यहां कहीं या हेयर्स पे प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है आपको इसे हेयर डायरेक्शन में ही यूज करना है सपोज अगर मुझे इसे यहां पर यूज करना है तो मैं इसको इसी डायरेक्शन में यूज करूंगी ताकि मेरे जो हेयर्स हैं वो इसमें फंसे ना और गाइज ट्रस्ट में ये बहुत ही अच्छा है डर्मा यू नो गाइस हमने डर्मा को से अपने स्कल्प को रेडी कर लिया कि ठीक है अब हमारी स्कल्प बिल्कुल रेडी है अब हम जो भी अपने स्कल्प में अप्लाई करने वाले वो हमारी रूट्स को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्व हो जाए हमारे रूट्स में तो आपको क्या करना है आपको इस डर्मोकोक यूज करने के बाद वेट अ मिनट गाइस मैं आपको एक और चीज बता दूँ ये आपको तभी यूज करना है जब आपके हेयरस में कोई ऑयल या फिर आपके हेयरस में कोई यू नो वाटर ना हो आपके हेयरस जो नीचे वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए तब आपको इस चीज को यूज करना है और इसे यूज करने के बाद आपको या तो कोई आप जो रेगुलर यू नो ऑयल वगैरह अप्लाई करते हो आप वो अप्लाई कर लीजिए या फिर मैं यहां पर आपको एक बहुत ही अच्छा हेयर पैक दिखा रही हूँ आप इस हेयर पैक को बना लीजिए और इसे आप अपने स्कल पर अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आप इसे यूज करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को भी आप शेयर कर दीजिए गाइस क्योंकि बहुत लोगों की प्रॉब्लम है ये बहुत लोगों को हेल्प करने वाला है एंड डेफिनेटली वो लोग आकर के आपको थैंक यू जरूर बोलेंगे कि आपने आपको इस को के बारे में बताया सो so गाइज़ यहाँ पर मैं मेथी बनाना हेयर पैक यूज़ कर रही हूँ इसका प्रॉपर जो मैंने बनाने का तरीका है वो मैंने आपको दिखाया हुआ है वो एक वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी आप वहाँ से जा कर के चेक कर लेना और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी करी लीव्स का पाउडर ये हमारे हेयर के लिए हमारे स्केप के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमने अभी डर्मा को अप्लाई किया तो इसलिए ये हमारे स्केल पर बहुत ही अच्छे से यू नो एब्जॉर्व होगा और इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो हमें बहुत अच्छे से मिलेंगे और आपको कोई भी हेयर पैक हो या ऑयल हो वो आपको थोड़ा सा आपको अपने यू नो पार्टीशन करके और फिर अप्लाई करना चाहिए एंड पूरे हेयर्स पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए देन आप एक जूड़ा या फिर एक बन बना करके उसे अच्छे से सिक्योर कर लीजिए क्योंकि जो हम पैक अप्लाई करते हैं फिर ड्राई होने के बाद हमारे बाल खींचने का डर रहता है तो इस समय वो नहीं रहेगा और उसके बाद जब आप अपना हेयर को वॉश कर लोगे तो आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे इसीलिए मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप इस पैक को भी चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा सो गाइज मेन चीज़ मैं अब आपको बता देती हूँ कि इसे आपको यूज़ कैसे करना है ठीक है आपको इसे डेली यूज़ करना है ठीक है बट आपके जो हेयर्स होने चाहिए वो ड्राई होने चाहिए उसमें कोई भी वाटर वगैरह नहीं होना चाहिए ठीक है कैसे कब यूज़ करना है आपको आपको इसे यू you नो know, डे में सिर्फ एक बार यूज़ करना है आप वो कभी भी यूज़ कर सकते हैं और इसे यूज़ करने के बाद आप अपने हेयर्स पर कुछ ना कुछ आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिए या फिर अगर आप इसे रेगुलर फॉलो नहीं कर सकते रेगुलर अप्लाई नहीं कर सकते तो आप थ्री डेज में एटलीस्ट वन टाइम एक बार जब आप इसे अपने हेयर्स में ऑयल करते हैं या कोई भी हेयर पैक वगैरह अप्लाई कर करते हैं आप इसे तब ज़रूर अप्लाई कर लीजिए आप अपने स्कैल्प पर जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है इस डरमरो का यूज़ कीजिए डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले तो so गाइज़ ये था एक बहुत ही मेडिकेटेड प्लस आयुर्वेदिक फॉर्मूला जो डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करने वाला है कि आपके हेयर्स की जनरेशन को यू you नो know, बढ़ाएगा आपके हेयर रूट्स जो होंगे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा सो so गाइज मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इस चीज़ को शेयर कीजिए आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए और अपना एक्सपीरियंस भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा एंड अंटिल देन गाइज टेक केयर एंड बाय बाय うん。